नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। प्रतापगढ़ जनता दल सेक्युलर के प्रदेश महासचिव ने ज्ञापन सौंपा। साबिर हुसैन के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने मुख्य विकास अधिकारी IAS नवनीत सेहरा को सौंपा ज्ञापन। जद नेता ने मनरेगा में हुए करोड़ के घोटाले तथा ग्राम विकास अधिकारी ब्लॉक कालाकांकर द्वारा जांच में लीपापोती करने का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग किया। आपको बता दें, ग्राम कडरो थाना नवाबगंज ब्लॉक कालाकांकर तहसील कुंडा जिला प्रतापगढ़ के ग्राम प्रधान रामप्यारे हिस्ट्री शीता प्रभाकर पटेल राशन कोटेदार जागेश्वर प्रसाद मनरेगा में बिना कार्य कराए जॉब कार्ड बनवाकर करोड़ों रुपए की सरकार को लगाया चूना। जनता दल सेक्युलर के प्रदेश महासचिव साबिर हुसैन ने जिला प्रशासन उत्तर प्रदेश शासन से किया था शिकायत, परंतु संबंधित ग्राम विकास अधिकारी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने लाखों रुपए मोटी रकम लेकर मामले में लीपापोती कर दिया। आज जनता दल सेक्युलर पार्टी के प्रदेश महासचिव साबिर हुसैन ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष अधिकारी से जांच कराकर करोड़ों के घोटाले जांच में लीपापोती करने वाले ग्राम विकास अधिकारी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव व करोड़ के घोटाला करने वाले ग्राम प्रधान रामप्यारे हिस्ट्री शीता प्रभाकर पटेल कोटेदार जागेश्वर प्रसाद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मनरेगा में हुए करोड़ों के घोटाले की वसूली करने की मांग किया, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी IAS नवनीत सेहरा ने निष्पक्ष जांच कराकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। जिला प्रतापगढ़ से जिला संवाददाता आरिफ हुसैन की रिपोर्ट। आप अपना नाम और पता बताएं और ये बताएं किस बैकग्राउंड में हैं। मेरा नाम साबिर हुसैन है, मैं जनता दल सेक्युलर उत्तर प्रदेश का प्रदेश महासचिव हूँ। मैं आज ग्राम कड़ोरो ब्लॉक कालाकांकर अंतर्गत ग्राम कड़ोरो में हुए मनरेगा में घोटाले के संबंध में शिकायत की गई थी, उसमें लीपापोती वीडियो ने किया, उसी की शिकायत मैं CDO साहब से करने आया था। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं किसी अन्य क्षेत्र के उच्च अधिकारी से जांच करा करके उनको दंडित करूंगा, जो कार्रवाई होगी उसका पूरा खुलासा करूंगा।